आप भी ऊपर प्रारंभिक संक्रिया एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स किसी आव्यूह की प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, उसमें कुल छह संक्रियाएं हैं जिसमें तीन स्तंभों पर और तीन पंक्तियों पर होती हैं। तो पहले हम देखते हैं पंक्तियों पर प्रारंभिक संक्रियाएं हैं। किसी आव्यूह की दो पंक्तियों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए यानी आपस में बदल दिया जाए तो उसे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण कहते हैं। एक तरीके का है ये, जैसे इसमें हम इसे बदलें तो R1 और R2 को बदलेंगे, इसका संकेत है R1 इंटरचेंज्ड बाई R2 और ये हो जाएगा R2 के लिए R1, R1 के लिए R2, तो 0, 7, 5 और 1, 2, 3 और 4 ये ऐसी रहेगी 1, 2, ये R1 इंटरचेंज्ड बाई R2 हो गया। इसी तरीके से R2, R3 बदल सकते हैं, यानी दो पंक्तियों को आपस में बदल देना पंक्तियों का विनिमय कहलाता है। दूसरी है किसी पंक्ति को गुणा करना किसी शून्येतर संख्या से, तो इसमें अगर हम R1 को बदलते हैं, मान लीजिए दो का गुणा करते हैं, R1 को बदलते हैं दो का गुणा करके, तो इसे ऐसे लिखें R1 changed by 2 into R1, तो इसी आव्यूह में मूल आव्यूह में दो का गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इस तरीके से दो का गुणा करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छः, दो चार छः और ये सब ऐसे ही रहेंगे 0, 7, 5 और 4, 1, 2, 4, 1, 2। अब किसी आव्यूह की किसी पंक्ति से दूसरी पंक्ति में किसी शून्येतर संख्या का गुणा करके घटाना, इसे हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि मान लिया R1 को बदलना है, R1 में से R2 घटा दें या किसी संख्या को गुणा करके घटा दें। तो R1 में से R2 घटा के देखते हैं तो यही हमारा बनेगा, R1 में से R2 घटाएंगे तो ये भी एक पंक्ति प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण है। तो R1 में से ये घटाएं तो R1 ही बदलेगा, जो यहाँ पर बदलना है वो लिखते हैं, कैसे बदलना ये निर्देश होता है R1 माइनस R2, तो R1 को बदलना है, 1 माइनस 0 1 आएगा, 2 माइनस 7 माइनस 5 आएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 यानी 1 माइनस 0 यानी कि 1, 2 माइनस 7 माइनस 5, 3 माइनस 5 यानी -2। और हम इसे नहीं बदलेंगे क्योंकि केवल R1 के लिए कहा है बदलने को, तो यहाँ पर 0, 7, 5 और 4, 1, 2 इस तरीके से तीन तरीके की संक्रियाएं होती हैं प्रारंभिक संक्रियाएं। R पे करके देखिए हमने और C पर भी हो सकती हैं इसी तरीके से, दो C आपस कॉलम बदल सकते हैं आपस में, एक कॉलम से दूसरा कॉलम घटा सकते हैं या फिर एक कॉलम में किसी संख्या का गुणा कर सकते हैं शून्येतर संख्या का। तो कुल मिलाकर पंक्तियों और स्तंभों पर तीन तीन तरीके की प्रारंभिक संक्रियाएं होती हैं। व्यतिक्रम आव्यूह, अगर एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में गुणा कर दें और यूनिट मैट्रिक्स आ जाए यानी आई आ जाए तो हम ए को बी का व्यतिक्रम आव्यूह और बी को ए का व्यतिक्रम आव्यूह कहते हैं। यदि दो आव्यूह ए और बी व्यतिक्रमणीय हैं और एक दूसरे के व्यतिक्रम हैं तो हमारा ए बी बराबर आई होगा और ये होगा हमारा बी ए के बराबर।
यानी गुणा करने पर हमारा यूनिट मैट्रिक्स आता है, इसको हम कहते हैं व्यतिक्रम आव्यूह। किसी भी आव्यूह का व्यतिक्रमणीय आव्यूह हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर उस आव्यूह के सारणिक का मान जीरो है तो उस आव्यूह का व्यतिक्रमणीय आव्यूह नहीं होता है। अब प्रारंभिक रूपांतरण से हम व्यतिक्रमणीय आव्यूह प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर कोई दिया हुआ है 1, 2, 3 और 2, इसका हमें व्यतिक्रमणीय आव्यूह निकालना है। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण या फिर प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण से, तो पहले हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण से देखते हैं। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण इसमें जिसका आप इनवर्स में चाहिए, पहली बात ये ए का अगर इनवर्स चाहिए तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, ए इनवर्स पढ़ते हैं। अगर ए इनवर्स का, ए इनवर्स हमारा बी है, तब हमारा ए बी बराबर आई आएगा। और कैसे ये निकालते हैं, जिसका इनवर्स चाहिए उसी के समान कोट का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। ये 2x2 कोटि का है तो 2x2 का एक तत्समक आव्यूह लेंगे। और प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण चाहिए इसलिए हम ए बराबर आई ए लिखेंगे और एक का मान तो यहाँ से रखेंगे 1, 2, 3, 2, आई का मान यहाँ से रखेंगे 1, 0, 0, 1 और आगे लिखेंगे ए। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से प्रारंभिक संक्रियाएं करनी पंक्ति की कि ये आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर आ जाए, और फिर यहाँ पर जो आएगा ऐसा करने पर वही उसका ए इनवर्स होगा। तो इसमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो यहाँ पर तो 1 पहले ही से, यहाँ 0 चाहिए, इसलिए हम इससे अनुमान लगा लेते हैं R1 में से R2 घटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 changed as R1 माइनस R2, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। तो 1 माइनस 3 माइनस 2 ये 0 आ जाएगा और 3, 2 ऐसा ही रहेगा। यही संक्रिया में यहाँ पे करते हैं इस साइड में, तो इसमें से ये घटाएंगे तो 1 आएगा और ये -1 आएगा, ये 0 और 1, ए को ए ही रहने देंगे। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पर एक आना चाहिए इसलिए -2 से भाग कर देंगे, यानी R1 को चेंज करेंगे -1/2 × R1 से, तो हमारा यही समीकरण इस तरीके से बन जाएगा 1, 0, 3 और 2 बराबर -1/2 - 2 से भाग दे रहे हैं तो ये 1/2 आएगा, ये 0, 1, a। अब यहाँ पर चाहिए 0, तो यहाँ से R2 को बदलना है, इसी में हम R2 चेंज रेस R2 - 3 R1 करेंगे जिससे यहाँ 0 मिल जाए। 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा और इसमें से घटाएंगे गुणा करके तो 0 आ जाएगा, तो ये आएगा हमारा 1, 0, 0 और इस 2 पर कोई असर नहीं होगा, तो ये आ जाएगा हमारा R1 तो वैसे ही रहेगा, A ऐसे ही रहेगा और इसमें 3 का गुणा करेंगे -3/2, 0 में से घटाएंगे तो 3/2 आएगा, और इसमें 3 का गुणा करेंगे 3/2, 1 - 3/2 अगर करके देखें
तो माइनस का एक बटे दो आएगा, माइनस का एक बटे दो। अब हम दो का इसमें भागने तो यहाँ वन आ जाएगा, हमें किसी तरीके से ये लाना है वन जीरो जीरो वन, यहाँ वन आना चाहिए। तो आर टू को चेंज करेंगे एक बटे दो इंटू आर टू से, तो हमारा आ जाएगा वन जीरो जीरो वन, और यहाँ से आना है माइनस एक बटे दो, एक बटे दो, दो से भाग दे रहे हैं तीन बटे चार आएगा, और माइनस एक बटे चार और ए। अब हमारा ए इनवर्स जो आएगा वो ये हो जाएगा